हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज पैकिंग का वीडियो दिखा रही हूँ और इसमें बहुत सारा क्वेरीज मैं आज क्लियर करूँगी। देखिए, मैं इधर डिफरेंट पार्सल दिखा रही हूँ। इधर सबका पार्सल एक ही साथ दिखा देती हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में दिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होता है। देखिए, ये कोलकाता क्ले पॉट से बाढ़ है और चिप्स है। ये एक कस्टमर का है और ये एक कस्टमर का है। इन्होंने फुल रोस्टेड नकुमर ब्लैक चिप्स और मिक्स क्ले पॉट्स है, कोलकाता क्ले पॉट्स मिक्स है। ये शायद 2 kg का ऑर्डर है। और ये कस्टमर का है, इन्होंने रेड बार, वाइट बार और देखिए नकुमर, फुल रोस्टेड नकुमर लिया है। ये भी एक 2 kg का पार्सल है शायद, और ब्लैक बार, ब्लैक चिप्स और इधर मिक्स क्ले पॉट्स है, कोलकाता क्ले पॉट्स लेके दिया और कुछ है। ये सब मिक्स्ड है, ऐसे मिक्स करके भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। ये है, देखिए ये दोनों सैंपल है और ये बाढ़ है, वाइट बाढ़ और मिक्स क्ले पॉट है। इन्होंने ऐसे ही मांगा था, एक पीस बाढ़ मांगा था। और ये है, देखिए बटर ग्रे रोस्टेड है, 500 ग्राम है। और इधर देखिए 500 ग्राम बटर ग्रे रोस्टेड है। और इधर है मिक्स कलर में ब्रोकन शेल स्टोन है, रेड, ब्लैक एंड वाइट। और इधर है कोलकाता क्ले पॉट्स, बिग साइज पॉट, कूलर, मिनी पॉट्स, दिया, सब कुछ मिला के 1 kg। इधर देखिए 1 kg मिक्स पॉट का एक ही कस्टमर का है। और मैं वीडियो दिखाऊंगी, उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। ये सभी ऐसे अच्छा से पैकिंग होके जाता है लेकिन इंडियन पोस्ट से जाते जाते बहुत सारा ब्रोकन हो जाता है। मैं जितना अच्छी तरह पार्सल करती हूँ उससे टूटना नहीं चाहिए, लेकिन ये सब क्ले आइटम बहुत ही ब्रोकन हो रहा है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर टूटा फूटा मिले तो वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ब्रोकन नहीं होता है, ये सब जाते जाते ही ब्रोकन होता है। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, पार्सल मिलने के बाद आप लोग बहुत कस्टमर मुझे फ़ोन करते हैं, मैम मेरा बहुत डस्ट हो गया। मैं बोलना चाहूँगी उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जाते जाते ये सब ब्रोकन होता है। मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, ये सब पॉट्स में बहुत पतला होता है, कोलकाता क्ले पॉट्स तो बहुत ही पतला है, इसलिए कोलकाता क्ले पॉट जो 1 kg लेते हैं उसका हर पॉट्स ही ब्रोकन हो जाता है। तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, आप लोगों को भी समझना होगा। पॉट्स ये तो टूटेगा ही क्योंकि बहुत पतला होता है। मिनी पॉट्स उतना ब्रोकन नहीं होता है क्योंकि छोटा साइज़ में होता है और उसमें ब्रोकन होने का चांसेस बहुत कम रहता है। देखिए, मैं डिफरेंट पार्सल आप लोगों को दिखा रही हूँ, अलग अलग टाइप का पार्सल इधर पैकिंग है। इधर देखिए तीनों कलर का चिप्स है, इधर कोलकाता क्ले पॉट्स, कूलर, बिग साइज ग्लास है। ये कस्टमर का है, इन्होंने देखिए 1 kg बटर ग्रे, 1 kg फुल रोस्टेड नकुमर, हाफ रोस्टेड नकुमर और मुल्तानी मिट्टी सैंपल पे लिया है। ये खुशी बोल के एक लड़की है, उन्होंने ऑर्डर किया है। देखिए, इसका भी पार्सल मैं ऐसे ही भेजती हूँ। इनका भी पहले का एक पार्सल था, उनको भी डस्ट मिला, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ये कोलकाता क्ले पॉट्स कितना अच्छा मैं पैकिंग किया हूँ, और भी दिखाऊंगी पैकिंग आज आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। देखिए, ये सब कोलकाता क्ले पॉट जाते जाते टूट जाएगा क्योंकि ये बहुत ही बिग साइज़ में है और पतला है। मिनी पॉट्स उतना टूटने का चांसेस नहीं है। देखिए, ये एक कस्टमर का है, इन्होंने ग्लास लिया है, किटकैट बार, बहुत सारा कुछ मिक्स में लिया है। इधर किटकैट बार है, इधर टाइनीस्ट पॉट्स है, हाफ बेक और थोड़ा सा कम बेक में टाइनी पॉट्स है, इधर मिनी पॉट्स है, बटर ग्रे रोस्टेड है, देखिए बटर ग्रे रोस्टेड दिया है और हाफ रोस्टेड नकुमट्स है और दिया, और इन्होंने दिया लिया है। ये टोटल 3 kg का एक पार्सल है, इन्होंने बहुत कुछ लिया है 3 kg में, थोड़ा थोड़ा करके लिया है। इनको भी मैं पार्सल दिखा रही हूँ। देखिए मैम, आपका पार्सल भी मैं कितना अच्छी तरह पैकिंग करूँगी। आज मैं पैकिंग का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कैसे पैकिंग होता है और कैसे मैं भेजती हूँ और आपको रिसीव कैसे होता है,
आप वीडियो में देख के आप डिफरेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये एक 3 kg का पार्सल है, इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ लिया है, और ये एक कस्टमर का है, इन्होंने भी बहुत कुछ लिया है। देखिए मिनी पॉट्स और दिया मिक्स्ड में 200 ग्राम शायद है, इधर हाफ रोस्टेड नकुमट है 200 ग्राम, फुल रोस्टेड नकुमट बटर ग्रे रोस्टेड है 200 ग्राम्स, और इन्होंने 500 ग्राम बाल लिया है, और वाइट चिप्स दिया हूँ मैं, बहुत कुछ मिक्स्ड में लिया है इन्होंने 500 ग्राम बार 3 पीस आया है क्योंकि थिक में मोटा है, रेड पेंसिल्स है, इधर किटकैट है और रेड बार है। देखिए ये सभी एक शायद 2 kg का ऑर्डर होगा, 2 kg 500 ग्राम ऐसे ही होगा इस इनका ऑर्डर, मुझे इतना याद नहीं चल रहा है अभी। तो देखिए ये इन्होंने बहुत कुछ लिया है, तीनों टाइप का नकुमट्स लिया है, दिया लिया है, मिनी पॉट्स लिया है, किटकैट लिया है, रेड बार्स लिया है, मेरे पास रेड किटकैट नहीं है इसीलिए ब्लैक एंड वाइट दे दिया हूँ, और इधर रेड पेंसिल दिया हूँ, सिलेट पेंसिल्स और वाइट चिप्स और वाइट बार। ये एक कस्टमर का है, देखिए कितना सारा पैकिंग में आ जाता है 2 kg, जितना आप वेट बढ़ाएंगे आपका पार्सल में उतना कुछ हो जाएगा। ये एक कस्टमर का है, देखिए इन्होंने कोलकाता क्ले पॉट्स मिक्स में क्ले पॉट्स और तीनों कलर तीनों टाइप का नकुमट्स लिया है, फुल रोस्टेड हाफ रोस्टेड और बटर ग्रे रोस्टेड। ये भी कोलकाता क्ले पॉट्स, हर पॉट्स में कोलकाता क्ले पॉट्स ऐड है, कोलकाता क्ले पॉट्स जाते जाते बहुत ही टूटेगा, ये भी टूटेगा क्योंकि ये बहुत ही पतला सा डिज़ाइन में बना होता है, और जब इंडियन पोस्ट से जाते जाते ये बहुत ही ब्रोकन कर देता है। देखिए पॉट्स भी कितना पूरा फुल पीस में दिया हूँ, हर पार्सल आपको दिखा रही हूँ, बहुत क्लोज से दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए आपका पार्सल में कैसे पैकिंग करती हूँ, आज मैं वीडियो में दिखा दूँगी। क्योंकि बहुत कस्टमर मुझे फ़ोन कर रहा है कि मैम मेरा ब्रोकन हो जा रहा है क्ले पॉट्स, क्या करूँ, कोलकाता क्ले पॉट्स तो ब्रोकन होगा, मैं अभी बोल रही हूँ मेरे पास ही ब्रोकन हो जाता है, बहुत पतला होता है उसका डिज़ाइन, इसीलिए। देखिए इन्होंने भी नकुमट्स 3 टाइप का ग्रुप्स लिया है, 3 कलर का ग्रुप्स, कोलकाता क्ले पॉट्स, वाइट चिप्स, ऐसे मिक्स करके डिफरेंट में हर कस्टमर अपना चॉइस में ये सब पार्सल ऑर्डर करता है। मैं ऐसे ही उनको देती हूँ और सैंपल पे तौर पे मैं हो सके जो जो कस्टमर डिमांड करता है मैं दे देती हूँ सैंपल पे तौर पे। देखिए इधर है कोलकाता क्ले पॉट्स 1 kg, और है वह हाफ रोस्टेड नकुमट्स है 200 ग्राम, ये कस्टमर का है, इन्होंने 1 kg 200 ग्राम का ऑर्डर किया है। तो आप देखिए इसके बाद मैं इनको सेलो टेप से रैपिंग करूँगी, वो भी मैं दिखाऊँगी, उसके बाद इसका पैकेट होगा तो वो भी मैं आज दिखाऊँगी। देखिए मैं सेलो टेप से हर पार्सल को रैप कर दिया हूँ, मैं दिखाती हूँ, देखिए ऐसे करके हर पैकेट को रैपिंग होता है क्योंकि इधर से पॉट बाहर ना आ पाए, तो ऐसे करके मैं पूरा पार्सल को एक एक करके पार्सल को ऐसे करके रैप कर लिया हूँ, इसके बाद ये पैकेट में जाएगा, वो भी मैं पैकिंग करने के बाद तुम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जे पैकिंग होने के बाद जो बॉक्स होता है पार्सल का बॉक्स वो कैसा दिखता है, तो आप लोगों के पास जाते जाते उसका कलर कैसे चेंज होता है, और वो बहुत ही डस्टी में आप लोगों को पार्सल मिलता है मैं सुनी हूँ, तो ये तो नॉर्मल बात है मैम, आप लोग जब क्ले पॉट्स या सिलेट आइटम्स ऑर्डर करते हैं ये बहुत ही डस्ट हो जाता है क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वाला है वो बहुत ही पार्सल को फेंकता है, इधर रखता है उधर, हम लोगों के सामने ही पार्सल को ऐसे ऐसे फेंक देता है, तो हम लोग बोलते हैं जी आप लोग ठीक से रखिए, तो हम लोगों को बोलता है मैम आपके सामने हम लोग ठीक रखेंगे, लेकिन ये जाते जाते बहुत कोई फेंक के पार्सल को ले जाता है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए पार्सल को ऐसे है सेलो टेप से पहले रैपिंग कर लिया हूँ, अभी ये जो थर्मोकॉल को बॉक्स है, बॉक्स होता है पीस बोर्ड का, वो पीस बोर्ड के बॉक्स में इसको
सब पार्सल को मैं रैपिंग करूँगी और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए इसको मैं पैकेट कर लेती हूँ और उसके बाद नाम जो नेम लगता है टू और फ्रॉम नेम लगता है उनके साथ मैं आती हूँ। तो देखिए मैं पार्सल को पैकिंग कर चुका हूँ और इधर टू लिख के आपका नेम हो रहता है और फ्रॉम में मेरा एड्रेस और मेरा नेम फ़ोन नंबर रहता है और ऑपोजिट में टू लिख के आपका नाम एड्रेस और फ़ोन नंबर रहता है। तो देखिए एक एक पार्सल को मैं कितना अच्छी तरह पैकिंग करती हूँ, पूरा फुल बॉक्स सेलोटेप से पूरा रैपिंग किया रहता है, बाहर से कोई कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये 3 kg का ऑर्डर है, देखिए इनका भी पार्सल में मैंने कैसे रैपिंग किया हूँ। ये तो एक्चुअली इतना लॉन्ग वीडियो में बनाती नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोगों का डाउट सा क्लियर करने के लिए ये वीडियो में डाल रही हूँ। आप लोग वीडियो देखिए और समझिए आपका पार्सल मैं कैसे भेजती हूँ और आपको कैसे मिल रहा है। तो इसमें मुझे रिक्वेस्ट करने का कोई बात नहीं है, आप लोग प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए क्योंकि पार्सल मैं ठीक ठाक ही देती हूँ। ये जाते जाते आप लोग देख लीजिए आपका पार्सल ही है, ऐसे पार्सल जाता है। इसका जो सेलोटेप का कलर भी ये भी लाइट हो जाता है जब इतना फेंकता है ना पोस्ट ऑफिस वाला, जैसे पार्सल वो लोग एकदम केयर करके उतना नहीं ले जाता है, बहुत सारा पार्सल के साथ ये सब पार्सल ले जाता है। तो इसके चलते ये सब पार्सल बहुत केयरलेस के जैसा ये लोग ट्रीट करता है और पार्सल को फेंकता है। तो देखिए फुल बॉक्स में दिखा रही हूँ, हर टाइप का 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, फिर 1 kg 500 g है, 2 kg 500 g है, ऐसे सब पार्सल में आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। देखिए बॉक्स पूरा टोटली पैकेट किया हुआ है, इधर निकलने का डस्ट कोई भी चांसेस नहीं है, आपको मैं दिखा रही हूँ क्योंकि ऐसे वीडियो मैं पहले नहीं बनाई हूँ। और इसमें एक पार्सल है जिनका 2 kg 500 g या ऐसे ही कुछ गीता बोल के कस्टमर का है, उनका मैं एक ही पैकेट में पार्सल घुसाना भूल गया, तो उनका 2 पार्सल में मैं रैपिंग करके उनको भेज रही हूँ। आपको 2 पार्सल मिलेगा मैम, आप प्लीज़ रिसीव कर लेना। मैं एक पार्सल छोड़ दिया था साइड में, तो मुझे 2 पार्सल में उसे पैकिंग करना पड़ा। तो देखिए इतना सारा पार्सल है, और भी पार्सल है बिग साइज़ का जो 20 kg 15 kg जाता है, उनका पार्सल बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कार्टून में रहता है क्योंकि उनको भी बहुत ही केयर करके भेजना होता है। इसके अंदर अगर मैं थर्मोकोल दूँ तो आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो क्ले पॉट्स या सिलेट आइटम्स है उसका क्वांटिटीज कम जाएगा। तो मैं जितना हो सके थोड़ा सा पीस बोर्ड दे के उसके अंदर पैकिंग करने की कोशिश करती हूँ, जैसे आपको अच्छा क्वांटिटी आपको मिले। और विथ पैकिंग आपको 1 kg आता है, ये नहीं कि आपका सिलेट आइटम्स 1 kg रहेगा और पैकेट का वेट अलग से रहेगा, ऐसा नहीं है। आपका पैकेजिंग लेके 1 kg या पैकेजिंग लेके 2 kg ऐसे ही पार्सल होता है, विथ पैकिंग आपको नेट वेट मिलेगा। तो आप लोग देख लीजिए। और ये देखिए ये सब पैकिंग करने के बाद मैं ऑफिस जाती हूँ और पोस्ट ऑफिस जाने के बाद मैं इनको मैं सबमिट करती हूँ। उसके बाद ये ट्रैकिंग स्लिप मिलता है, इस ट्रैकिंग स्लिप के ज़रिए आप लोग अपना पार्सल ट्रैक करके भी देख सकते हैं, इंडियन पोस्ट के जो वेबसाइट है उस पे जाके आप लोग देख सकते हैं। इधर देखिए इधर 16 या 17 पार्सल का मैं ट्रैकिंग स्लिप है, मैं दूर से दिखा रही हूँ सामने नहीं। और बहुत कस्टमर मुझे कॉल करता है, सब्सक्राइबर मैम मुझे COD चाहिए, मैम मुझे बिलीव नहीं होता है, पहले मैं पेमेंट करके मुझे फ्रॉड मिला है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, आप मुझे ट्रस्ट कीजिए और एक बार आप ऑर्डर देके देखिए क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट मेरे पास अवेलेबल है।